हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड यू आर ऑन दुष्यंत रॉक्स चैनल। गाइस, सबसे पहले तो मेगा स्टार ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उनके 47वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 47 ईयर्स के हो चुके हैं आज ऋतिक रोशन, और उनको देखकर कोई ये पहचान नहीं सकता। गाइस, इसके साथ हमने देखा है कुछ समय पहले पूर्व से ही जो टॉलीवुड है, कन्नड़ मूवीज है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि बर्थडे के दिन नई मूवीज उनके स्टार्स की अनाउंस होती हैं, और उस कड़ी में अब बॉलीवुड जुड़ गया है। गाइस, जी हाँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज ऑफ दिस वर्ल्ड सिनेमा दैट ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण आर कमिंग अप टुगेदर। गाइज, कल से इसके लिए बहुत सारे ट्वीट्स और ये किए जा रहे थे, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक नहीं की थी। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई भी है तो बर्थडे बॉय के द्वारा ही आई है। गाइज, ऋतिक रोशन ने खुद ट्वीट करके इसके ग्लिम्स के बारे में बताया। गाइज, फाइटर इस मूवी का नाम है, तो उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है, गाइस लेट्स रिएक्ट टू इट, कि कैसा है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म जिसमें वो पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ दिख रहे हैं का ग्लिम्स। लेट्स स्टार्ट इट। नेक्स्ट ईयर दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता, हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। गाइस, तो इतना छोटा सा एक 30 सेकंड का ये ग्लिम्स है। गाइस, 30 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली है, और ऋतिक रोशन इसमें एक एयरफोर्स पायलट का किरदार निभा रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होता। गाइस, और दीपिका पादुकोण पहली बार ऋतिक रोशन के साथ पेयर किए हैं, बहुत सारे फैंस इसके लिए एक्साइटेड हैं, सो एम आई। और गाइस, रिलीज काफी दिनों बाद है, 30 सितंबर 2022 को, और मुझे ऐसा लगता है कि इन बिटवीन ऋतिक रोशन की एक और मूवी आ जाएगी, हो सकता है वो 30 जो सितंबर 2022 है उससे पहले रिलीज हो जाए। तो जैसा सुपर 30 और वॉर के साथ हुआ था कि जो इंटरवल था रिलीजिंग का, वो गाइस दो महीने के बीच का था, जुलाई में रिलीज हुई थी सुपर 30 और अक्टूबर में रिलीज हुई थी वॉर, वैसा ही हमें कुछ देखने के लिए। तो फाइटर के बारे में अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन कि ऋतिक रोशन इसमें एक एयरफोर्स पायलट का किरदार निभाएंगे। सिद्धार्थ आनंद, जो इन्होंने वॉर को बनाया था, वॉर जो 2019 की सबसे बड़ी हिट थी, गाइस 300 करोड़ से ऊपर की उसने कमाई करी थी, वही डायरेक्टर इसमें देख रहे हैं। और एक चीज जो मैं सिद्धार्थ आनंद के बारे में कहना चाहूंगा, गाइस, वो सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर है वो ऋतिक रोशन के फैन हैं, तो उसी तरीके से वो उनको प्रेजेंट करते हैं जैसा एक फैन देखना चाहता है अपने स्टार को। और इसी की वजह से हमने देखा कि वॉर में जो एंट्री सीन था ऋतिक रोशन का वो मेमोरेबल था, क्योंकि एक फैन जब अपने स्टार को देखता है और उसको डायरेक्ट करना चाहता है तो वो हर चीज वो देखता है जो वो उसको देखना चाहता है। और शायद इसीलिए दीपिका पादुकोण में को उनके साथ पेयर किया गया, क्योंकि उनके फैन, ऋतिक रोशन के फैन जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, वो उनको एक नए जोड़ी में देखना चाहते थे। तो गाइज, ये था अनाउंसमेंट, फाइटर अनाउंस हो चुकी है, 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऋतिक रोशन फैंस इंक्लूडिंग मी, थैंक यू सो मच गाइज।